हूँ राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए प्रत्यय का अगला वाला पार्ट लेके आई हूँ। इसमें आज मैं आपको गुरु कामता प्रसाद जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी सारे उदाहरण लिए जाएंगे वो फैक्ट होंगे और संस्कृत से रिलेटेड भी होंगे। आप देखिए कि हिंदी के पाणिनि नहीं आई है कामता प्रसाद जी, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। कई बच्चों ने बोला कि मैम कौन सी बुक प्रिफर कर रहे हैं आप, तो देखिए यही बुक है मेरी। मेरे पास तो कई सारी बुक्स हैं, है ना, और मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है वो मैं कलेक्शन आपको देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। हमारे तद्धित प्रत्यय हो चुके हैं, और जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करें। एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आप, जैसे ये देखिए, ये बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें इजी से समझ में आ जाता है। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से करवा देती हूँ, क्योंकि सबके पास तो सारी बुक्स नहीं हो सकती ना। तो देखिए इस बुक्स से मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत जल्दी समझ में आने वाला मैटर है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका भी, और कामता प्रसाद जी का भी हम देखेंगे आज, और इनका भी देखेंगे। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने तद्धित प्रत्यय करे हैं साथ, उसके बाद में हम ये करेंगे। तद्धित प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, स्त्रीवाचक, अपत्यवाचक, है ना, गुणवाचक, संतान बोध, लघुतावाचक या ऊनतावाचक, ठीक है, ये सारे हमने साथ पढ़ लिए थे। जब आपके सामने उदाहरण आएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। परिभाषा एक बार सुन लीजिए कि जिन प्रत्ययों के या जिन वे शब्दांश, ठीक है ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और उनमें हमने दो पढ़े थे, दो आधारों पर पढ़ लिए हमने, शब्द या धातु के जुड़ने के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। तो हमने पहले भाषा के आधार वाले पढ़े थे, जिसमें हमने तत्सम प्रत्यय, तद्भव, देशज, विदेशी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारे ले लिए थे। और इन्हीं में से हमने पढ़े थे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धितान्त कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। कृदित यानी कृत प्लस धातु, जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। क्या बोला मैंने? जो धातु के अंत में यानी क्रिया के अंत में जुड़ने वाले वो कहलाते हैं कृतवाचक प्रत्यय, और उनसे निर्मित शब्द कहलाएंगे कृदंत। क्लियर? और ये पांच प्रकार के हैं ये भी। कर्मवाचक, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक या विशेषणवाचक। क्लियर? ये मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर क्रिया है तो क्रिया लगानी है, और अगर विशेषणवाचक आए तो विशेषण, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही होगा, या ये भी नहीं पूछे जाएंगे कि इनके भाव में से कौन से, ये इनके भेद में से कौन सा नहीं है। और अगर पूछ ले फिर भी तो आपको ध्यान रहे, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब हम एक एक को लेंगे। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ का कि ये जो पांच प्रकार है इनमें से आपको ये छाँटना है कि कृत कौन सा है, भाव कौन सा बनेगा, करण कौन सा है या क्रिया वाला कैसा है। ये आपको समझ में आ जाएगा ना तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं ये थोड़ा जो इजी वाला मैटर है वो मैं पहले प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करूँगी। देखिए कृत, कृत का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है, है ना, जो हमारा विषय है, जो किसी कार्य को करता है। जैसे कोई लिखता है तो वो लिखने का काम कर रहा है, जैसे कोई गाता है तो गाने का काम कर रहा है। तो यहाँ अक प्रत्यय हो रहा है, लेख प्लस अक, लेखक, है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इस अक को हटा दो, अक को हटा दो तो आप क्या करेंगे, मूल धातु क्या आ जाएगी यहाँ पे, लिख आ जाएगी मूल धातु, ठीक है ना। और वही जो हमने वो चार चीज़ें पाँच चीज़ें जो मैंने बताई थी ना, ई का क्या बन जाएगा, ए। तो शब्द के पूर्व में चेंज होके ये मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेखक, जैसे ही लिख प्लस अक प्रत्यय आप लगाएंगे, ये फर्स्ट लेटर में मात्रा चेंज हो जाएगी
और ये ई की जगह ल पर ए आ जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे लिख धातु होती है ना, लिख, यहाँ पे हलंत लगा हुआ रहता है, तो यहाँ से इस खम से अ प्रत्यय बाहर ये अ इसका स्वर बाहर निकालेंगे, ये अक बन जाएगा, ये लिख लिख धातु हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से लिखा रहता है ना, लिख मूल धातु में ऐसे लिखा रहता है, स्वर तो ऑलरेडी यहाँ बाहर आ चुका है, ये देखिए अक। क्लियर? तो वो जो चीज़ें मैंने बताई थी ना आपको चारों, वो कॉन्सेप्ट, अगर ए है तो आ हो जाएगा, ई है तो ए बन जाएगा या आई बन जाएगा, ऊ है तो ऊ है, और ओ है तो औ बन जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ भी काम में आने वाली है, ये सब ये सारे नियम यहाँ लागू होंगे। और यहाँ क्या संधि आप पढ़ चुके हैं तो प्रत्यय में भी लागू होंगे, बिल्कुल शब्द निर्माण में ये काम में आएंगे। आगे देखिए एक एक उदाहरण लेते हैं। अक्कड़, जैसे कोई भूलता है, भूलने की आदत है उसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या भूलक्कड़ी है क्या? हाँ, जैसे कोई पीता है तो हम क्या कहेंगे, अरे वो पियक्कड़। देखिए अक्कड़ शब्द लग गया, क्लियर, अक्कड़ प्रत्यय लग गया, शब्द अपने आप में विशेषण बन गया, पीने वाला है ना, अब क्या पीता है। अब आप देखिए कोई दूध भी पीता है, कोई पानी भी पीता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी पीता है ना, कोई किसी का खून भी पीता है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जब पियक्कड़ का नाम आते ही किसकी तरफ जाएगा, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, अगर किसने बोल दिया ना अरे वो तो पियक्कड़ है, तो सबसे पहले पियक्कड़ एक विशेषण में चला गया, और विशेषण हो गया वहाँ ऑटोमेटिकली वो शब्द समास में भी तो आ गया, देखिए बहुब्री शराबी हो गया वो, है ना। इसी तरह से आप देखिए मैं एक एक चीज़ बताते जा रही हूँ आपको कि यहाँ समास भी क्लियर हो रहा है आपका, यहाँ आपका सर्वनाम भी हो रहा है, विशेषण भी क्लियर होगा, सब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चालाक, तीसरा ही अर्थ हो गया ना, आग प्रत्यय लग गया चालाक। अब चालाक कौन है, पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ चालक, है ना, शब्द है चालक, ये देखिए दूसरा यहाँ पे चाल से बना, चाल होगी किसी की, चाल से चालाक, उसने बहुत देखिए शकुनी बहुत खतरनाक चाले चलता है ना। अब धातु कौन सी है यहाँ पे, चल धातु है, मूल धातु क्या है, चल, चल से क्या बना, चलना। अभी मैं कामता प्रसाद जी वाले बताऊंगी तो बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा। वो बुक तो ऐसी है जब आप 5-7 बार किसी और अच्छी सी सरल भाषाओं वाली बुक पढ़ लो ना, तब जाके वो बुक आपको समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से उसको ले लेंगे तो नहीं समझ में आएगी, आपका सर चकराने लग जाएगा कि हमने ये क्या ले लिया, क्या पढ़ रहा है, व्याकरण भी ऐसी होती है क्या, नहीं समझ में आएगा उसका, ठीक है। इसीलिए मैं ये इजी तरीके से बता रही हूँ। मूल शब्द, मूल धातु है यहाँ पर चल, क्या है मूल धातु, ये देखिए ये मूल धातु है चल। अच्छा, जितने भी संस्कृत के, जैसे मैंने धातु नाम लिख दिया ना, वहाँ ये हर एक धातु के नीचे है ना, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, तो दूसरे वर्ण के आगे हलंत लगा हुआ मिलेगा, और जब ये हलंत मिल गया, लग गया ये, इसका मतलब यहाँ से स्वर बाहर आ चुका है, ये स्वर बाहर निकल चुका है इसका, और जैसे ही स्वर बाहर निकलेगा ये मूल धातु में हो गई चल, चल से बन गया। अब ये जब मूल धातु है, हम इसके आगे ना लगा देंगे तो क्रिया बन जाएगी, चलना हो जाएगा, क्रिया ना, चलना हो जाएगा। अब ये चलना है, हमने इसका ना हटा दिया और कोई और प्रत्यय लगा दिया, तो देखिए कितने सारे प्रत्यय लग गए, देखिए चल, वापस देखिए, इसी एक से सारा समझना है आपको, बाकी तो उदाहरण से करने हैं। चल में अगर मैं ना प्रत्यय लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, चलना क्रिया बन जाएगी। अब इसमें मैं ये इस चल में मैं कोई सा भी प्रत्यय लगा दूं, है ना, जैसे आप प्रत्यय लगाऊंगी इसमें, इधर आगे यहाँ लगाऊंगी मैं, पहले देखिए ये इससे से चल से बनेगा चाल, होता है ना भाई, तुम्हारा चाल डाल ठीक नहीं है, अरे चलन में है ये तो आजकल, इस तरह के इससे बोलना चलन में है, इस तरह से खान पान आजकल का फैशन है, चलन यानी जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, जो नया है, जो करंट है, चाल से चलन बन गया, क्या शब्द बना, चलन, अनप्रत्यय लग गया ना, चलन बन गया अनप्रत्यय। अब देखिए
चालाक, एक बनता है चालक, मैं इसको साफ करके लिख देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा, एक है चालक और एक है चालाक। देखिए युग्म शब्द भी क्लियर हो जाएगा अभी आपको। अच्छा दोनों एक लिख दिया था मैंने, ये लव मात्रा लगा दी चालाक। एक शब्द है चालक और एक है चालाक। चालक तो हो गया जैसे किसी वाहन का ड्राइवर होता है ना, या हम खुद भी तो हैं कि गाड़ी कौन चला रहा, मैं खुद हूँ चालक। क्या बोलते हैं, हाँ जी मैं खुद ही ड्राइव करके आया हूँ, मैं खुद ही चालक हूँ। तो ये तो हो गया चलाने वाला। हमें कौन चलाता है, पूरे संसार को कौन चलाता है दोस्तों? बिल्कुल ईश्वर चलाता है, हमारा चालक, हमारा चालक कौन है? ईश्वर। और ये जो चाल, ये यहाँ तो हो गया चलाने वाला, है तो करता ही ना, चाहे वो भगवान हो, चाहे आप खुद हो, चाहे वो और हो, ये तो हो गया चालक, ये तो हो गया करता। और ये जो चालाक है ये क्या बन गया भाई साहब, थोड़ा ध्यान दे, ये शब्द बन गया विशेषण में चला गया ये। हाँ जी बिल्कुल विशेषण में चला गया। और अगर इसको भाववाचक बनाना तो क्या करूँगी मैं बताइए, बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगी मैं। अगर ये मेरा ऑफलाइन बैच होता ना तो आपको मज़ा आ जाता इस क्लास से। मैं पूछ रही हूँ इसको भाववाचक बनाना तो मुझे क्या करना है, एक ही शब्द को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ाना मेरी आदत है, और जब तक बच्चों को समझ में नहीं आ जाता ना तब तक मैं ऑफलाइन बैच में छोड़ती नहीं हूँ उनको, क्योंकि उस एक उदाहरण से ही वो फिर आगे का सारा मैटर क्लियर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में टाइम ज़रूर लगता है, मैं क्या कह रही हूँ, स्टार्टिंग में टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, लेकिन अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए अगर मैं इसमें ई प्रत्यय लगा दूँ, क्या कह रही हूँ मैं, अगर मैं इसमें ई प्रत्यय लगा दूँ तो ये भाववाचक में चला जाएगा चालाकी। मेरे सामने आपकी चालाकी नहीं चलेगी, चुटकी बजा के कह रही हूँ मैं आपको, सुन रहे हो ना। अच्छा जितने भी सारे ये मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों को धन्यवाद, आपका स्वागत है, वेलकम है। तो मेरी टेबल से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ ताली बजा के, वेलकम है आपका, एक बार मैं फिर से ताली बजा के आपका स्वागत कर रही हूँ, ठीक है। और शाबाशी भी दे रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने ई प्रत्यय लगाते ही ये भाववाचक में बन गया, और चालक है विशेषण में बन गया, और एक चालक है जो करता हो गया। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक चीज़ और यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि कई सारे शब्द ऐसे आएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये विशेषण है या भाववाचक है या ये क्रिया है, ठीक है। तो देखिए नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर आगे आपके काम में आएगी। भाववाचक शब्द अगर हमें बनाना है उसको, किसी संज्ञा को, तो हमें कौन कौन से प्रत्यय जोड़ने हैं? बिल्कुल देखिए यहाँ सारे टॉपिक साथ चलेंगे, और जब टॉपिक परमानेंट आएगा ना तब भी बताऊंगी, तो ये सारा रिवीजन होता रहेगा। आप ऐसे मत कीजिए कि मैम पहले ये पढ़ाइए या वो पढ़ाइए, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। देखिए आ, ए तो है ही है, ए के ऊपर आ, यहाँ है ई, ये ई, क्लियर। एक है ईया, एक है आलू, अब आलू भी दो प्रकार के पढ़ाऊंगी मैं आपको, अभी तो लिख लीजिए आप। एक है इम, है ना, एक है इमा, बिल्कुल जैसा प्रत्यय ना वैसे ही मात्रा रहेगी, ये भी ध्यान रखना शब्द खुलने के बाद में। एक है इमा और एक है आवट, आवट नोट कर लेना इनको कहीं ऊपर। और एक है गी, जी हाँ चाहे तो ई या गी, पर आप घी ज़्यादा लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और भी आगे आएंगे मैं बताती जाऊँगी, जगह नहीं है यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ। और एक है अक्कड़ भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे आएंगे। ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनसे संज्ञा के आगे लगाओगे तो भाववाचक में बन जाएंगे ये शब्द। मैंने क्या कहा, ये कुछ एक शब्द ऐसे हैं, है ना, आवा भी हो जाएगा, आवा आपा, है ना, जो भाववाचक में चले जाएंगे, और जैसे ही भाववाचक में चले जाएंगे शब्द विशेषण भी बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर, नोट कर ली होंगी आपने, चले आगे। अच्छा अब देखिए आँख, तेराक, तो जो तैरने वाला है ना
कौन है तैराक? जो तैरने वाला है। और क्रिया क्या बन जाएगी? तैरना। लड़ाक या लड़ाकू, आकू प्रत्यय हो गया, आक प्रत्यय हो गया, है ना। तो लड़ने वाला, चालाक बने हो गया ये काम। अब देखिए ये है आलू, आलू से मैं आपको दो बनाऊंगी। एक तो है ये आलू और एक है ये आलू। कोई मुझे बताएगा दोस्तों क्या फर्क है इसमें? बिल्कुल बताना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। ये एक शब्द सुना होगा आपने जगड़ालू, एक शब्द सुना होगा आपने दयालु। मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लिखूँ, आप लिख लीजिए या समझ लीजिए। एक शब्द है कृपालु, एक शब्द है ईर्ष्यालु। लिख लिया आपने या मैं लिखूँ? अच्छा, अब जो ये मैंने लिखा ना, ये ऊपर वाला आलू, हम इसकी चर्चा करेंगे पहले, बिल्कुल। और ये कहाँ आएगा इसकी भी करेंगे। देखिए आलू का मतलब होता है, आलू आप सब्जी में खाते हैं ना, जी हाँ वही जो सबके साथ मिक्स हो जाता है, सहयोगी। इसका मतलब होता है युक्त। आलू का क्या मतलब होता है? युक्त। हाँ, अब यहाँ क्यों लिया है मैंने, ये भी ध्यान रखना। ये देखिए तद्धित में भी काम में आएगा, क्यों? क्योंकि संज्ञा के साथ लगेगा ये। अब जैसे दया है, दया क्या है? संज्ञा है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ इसका चर्चा इसलिए कर रही हूँ, देखो दया करना है ना, ईर्ष्या करना या झगड़ा करना। लेकिन अगर इनके सामने ये आलू प्रत्यय लग जाते हैं तो ये कृत में भी आ जाते हैं। तद्धित में तो आते ही हैं वैसे ही, ये कृत में आ जाते हैं। अब देखिए एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये देशज प्रत्यय है, ये क्या है? ये जो नीचे वाला है ना, ये देशज प्रत्यय है, ठीक है? आगे समझ में, देशज प्रत्यय है ये, बिल्कुल। और आलू जैसे ही होगा ना, जैसे ये आलू होगा, आप देखना मात्रा में कहाँ चेंज होता है। बिल्कुल साहब, एक से यहाँ क्यों बता रही हूँ मैं, ये आलू प्रत्यय केवल झगड़े में लगेगा, हाँ जी। और सिर्फ एक ऐसा वही शब्द है जिसमें झगड़ालू में मात्रा बड़ी होगी, बाकी सभी में आलू की मात्रा छोटी रहेगी। क्योंकि मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों से कि जैसा प्रत्यय वैसे ही मात्रा लगेगी, है ना, कहा था ना। लेकिन यहाँ कुछ एक चीज़ें अपवाद होती है, उन्हें हम अपवादों को हम अलग से पढ़ते हैं और बिल्कुल विशेष रूप से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं उनको। तो ये जो आलू है ना, ये आपका नीचे वाला, ये देशज प्रत्यय है। तो झगड़ा, झगड़ालू, झगड़े से क्या बन गया? झगड़ालू। और देखिए इस झगड़ालू में मात्रा बड़ी होगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? ये आलू तो सबके साथ में आएगा भाई साहब, क्योंकि दयालु में भी मात्रा छोटी, ईर्ष्यालु में भी मात्रा छोटी, है ना, और श्रद्धालु में भी मात्रा छोटी, एक शब्द है कृपालु उसमें भी मात्रा छोटी। लेकिन झगड़ालू, झगड़ा देखो छोटा सा होता है लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है और मात्रा भी बड़ी। ऐसे याद रह जाएगा आपको, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो यहाँ लिख रखा है ना इसने, ये बंदे ने गलत लिख रखा है यहाँ पे, और इसीलिए इस पर आप गोला कर लेना। देखो छपने में मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे ये झगड़ालू में मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है? अब देखिए, चलिए समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों आलू को बता दिया आपको। हाँ, आलू भी दो प्रकार के होने लगे हैं, लड़ाकू पड़ाकू, जैसी मात्रा वैसा प्रत्यय, है ना। आड़ी खिलाड़ी, खेलने से बना खिलाड़ी ना। अब देखिए कबाड़ी, क्या बन गया शब्द? कबाड़ी, हाँ जी कबाड़ी। और ये है ईयल, कबाड़ना होता ना किसी चीज को, कबाड़ो भाई कबाड़ो, जल्दी जल्दी कबाड़ो, कबाड़ी। आड़ी प्रत्यय लग गया, अड़ियल अड़ना, ईयल प्रत्यय, अभी मैंने ऊपर बोला ना ईयल, विशेषण में चला गया ये मरियल। अब ये देखिए यहाँ पे लुटेरा बसेरा, एरा प्रत्यय है, लूटना धातु क्या है? लूटना। ये शब्द आया हुआ है बसेरा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये शब्द आया हुआ बसेरा यानी बास करना, बसना धातु है, बसना ना लगते ही बसना हो गया, मूल धातु है बास, जैसे अजमेर वासी बोलते हैं ना अपन, तो बास।
एया या वैया, गवैया, खिवैया, बजैया। यहाँ अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलने का करूँगी, एक एक उदाहरण आपको अच्छे से बता के, क्योंकि हमें आज कामता प्रसाद जी को भी देखना है। देखिए, आऊ चलाऊ, अच्छा ये रह गया क्या, ओड़ा, भागना से भगोड़ा, हंसना से हसोड़ा। हसोड़ा है भाई वो, तो कोई कहते हैं ना कौन है, वह है। अब वह क्या हो गया, कोई करता ही है वह भी, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अरे कौन वह हसोड़ा, थोड़ा सा ऐसे वाक्य बना के देख लेना आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हसोड़ा, भगोड़ा, आऊ आऊ, टिकाऊ है वो तो, चलाऊ, हाँ ये चप्पल बड़ी चलाऊ है, चलने वाली है ना, टिकने वाली, आला वाला वाली सब लगेंगे, अत्ता, दाता, दान करने वाला, श्रोता। अरे भाई करता है ये, हाँ जी आप कहेंगे मिक्स हो रहे हैं मैम, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पढ़ने वाला, लिखने वाला, हार माखन हार, राखन हार, चाखन हार, चाखने वाला। हाँ अब देखिए यहाँ से आएगा समझ में, कर्म वाच्य। एक तो देखिए यहाँ है खेलना, है ना, लिखना, देखिए आड़ी से तो बन गया खिलाड़ी, ठीक है ना, जो खुद है, जो खुद है, जो खुद खेल रहा है वो कौन है, खिलाड़ी। अब खिलौना, कर्म क्या है यहाँ पे, खिलौना कर्म है, खेल खेलना, बिछौने बिछोना, आया ना बिल्कुल। सूंघना कर्म किससे हो रहा है, नाक से, ठीक है ना, अभी बताऊंगी मैं आपको। खिलौना खेलने से कर्म है ना, बिछोना, ओढ़नी ओढ़ना कर्म हो रहा है यहाँ पे, मेरे द्वारा ओढ़नी ओढ़ी गई है ना। चलना बिल्कुल, चलनी, अब देखिए वहाँ ऊपर क्या था, चलना, और यहाँ है चलनी। कन्फ्यूजन बहुत है इसमें, छोटा सा शब्द है प्रत्यय, लेकिन बहुत मिस्टेक होती है, और यहाँ ये सारी मिस्टेक है। मैं आपको दो वीडियो में पढ़ा दूंगी भले, लेकिन अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, और पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना तो पड़ेगा भाई आपको, उदाहरण भी बहुत सारे देखने पड़ेंगे। ये देखिए करणवाचक, जैसे ही इनके पांचों भेद हो जाएंगे ना क्लियर, और फिर इनका एक साथ क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आ प्रत्यय कौन सा है, आ झूला, झूला किसके कारण, झूलने के कारण है ना, वो झूल रहा है, झूले के कारण हो रहा है कोई कारण, किसके कारण हो रहा है, माध्यम कौन है यहाँ पे। करणवाचक आपने कारण पढ़े हैं, के से द्वारा, किसी के माध्यम से कोई कार्य, किसी के, एक तो खुद करे वो तो करता हो गया, ठीक है ना, खुद करे वो करता हो गया, ठीक है ना, और किसी चीज से करे, जैसे किसी के कारण करे वो कारण हो गया, जैसे ठेला, ठेला ठेल रहा है वो, मेला है ना, मेला क्या है, उत्सव। और देखिए ऊ झाड़ू, हाँ झाड़ना क्रिया होती है ना, बाजारू, यहाँ ये देखिए ये मास्टर बड़ा, बजना बाज, बजना क्या निकलेगा यहाँ, क्रिया क्या होगी, कोई मुझे बताने की कोशिश करेंगे, आप नहीं बताएंगे तो मुझे तो बतानी है, बिल्कुल आज का सवाल मेरा यही है, इसी पे है, मुझे बताइए साहब इनमें क्रिया बताइए, बिल्कुल आज का क्वेश्चन मेरा यही है। आगे देखिए बेलना, बेलना, बेलन के माध्यम से रोटी बेलते ना, बेलना। बंधना, बंधन, मंथन क्या है ये, अनप्रत्यय है इसमें, हाँ जी अनप्रत्यय है, वो जो चलन मैंने बताया था ना वो यहीं पे आएगा, यहाँ पे नीचे मैंने ऊपर बताया था आपको, एक चलन, चल धातु से यहाँ से प्रत्यय निकाल दो आप, स्वर निकाल दो अन, ये देखिए। अच्छा कतरनी, लेखनी है ना, किसी के माध्यम से, कैंची के माध्यम से काट रहे हैं, पेन के माध्यम से लिखनी है, धोकनी, ये बिल्कुल किसी के करण, मतलब किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जो कार्य होता है उसी को बोला जाता है। आगे होगा समझ में आपको। अब चौथा पढ़ेंगे हम भाववाचक, कृत हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, अब भाववाचक। भाववाचक अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, देख लीजिए कितने सारे उदाहरण हैं, ए आ आई आन आप आवा
आव आवट आहट ई ओता बहुत सारे हैं इसमें, तो बहुत सारे हैं आपको। यहाँ कुछ गिने चुने और जो आने वाले हैं ना वही दिए रखे हैं, और इसके अलावा भी होगा तो मैं और बताऊँगी आपको। जैसे मार मारना, लूट लूटना, तोल तोलना, है ना, ये भाव है ना। लेख लिखने का भाव है, पुकार मेल। अब इन्हीं से देखिए क्या होगा। आ पूजा, पूज से पूजा, घेर से घेरा, झटक से मुझे झटक दिया, है ना, बोलते हैं ना, तुमने तो मुझे पटक दिया, तुमने तो मुझे झटक दिया, उसको झटक दिया, उस वह लटक रहा है ना, ऐसे। झगड़ा, हाँ साहब हाँ झगड़ा, अभी हमने आलू लगाया था इसके वहाँ पे झगड़े में। आई लड़ाई, जिसमें भी आई प्रत्यय होगा ना वो भावाचक में आ जाएगा। कटाई चढ़ाई सिलाई, बिल्कुल बोलते ना, तुमने तो सारी पिसाई कर डाली। पीसना धातु क्या है। अच्छा आप क्या करेंगे इनमें से, एक काम बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, इनकी मूल धातु लिखते जाना आप, बिल्कुल। आन मिलान, मिलाना चढ़ाना उड़ाना। आप मिलाप विलाप। आओ चढ़ाओ चढ़ना घुमाओ। कटाओ कटना, बिल्कुल बोलते ना, कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। थोड़ा सा एक बार वाक्य में प्रयोग करना भी आपको आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है आपकी। आवा चढ़ावा, उस मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता है ना। तूने क्या चढ़ाया। मैंने तो कुछ नहीं चढ़ा। नहीं साहब चढ़ना चाहिए। अब एक होता है चढ़ाओ, है ना, एक तो होता है घुमाओ घुमाओ, और एक होता है चढ़ाओ। आओ प्रत्यय यहाँ भी है, लेकिन हम किसी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं चढ़ाओ बहुत ऊपर, हम क्या बोलेंगे वहाँ पे। जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ाना होगा, पहाड़ी पर चढ़ना होगा तो हम क्या बोलेंगे, चढ़ाई बोलेंगे ना हम, यहाँ थोड़ी बोल सकते हैं चढ़ाओ। तो लेकिन मंदिर के लिए क्या शब्द आएगा, चढ़ावा। तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा, है ना, अलग अलग शब्दों का अलग अलग परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा। बुलावा, बुलावा आ गया साहब, गीतों का बुलावा आता था, भगवान का भी आता है। मजाक कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ लीजिए आप। तो आवट सजावट मिलावट थकावट रुकावट, है ना। घबराहट, एक तो आवट और एक आहट, दोनों में बड़ा फर्क है। सजाना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना और सजाना। अब देखिए ई बोली हंसी, बोलना हंसना समझौता करना। ती बढ़ती उड़ती बढ़ना उठना गिरना गिरती। अत बचत बचना, खपत खपना, दिन रात खपती रहती हूँ मैं, हैं आप भी बोलते हो ना, मैं दिन रात खपता हूँ फिर भी पढ़ता नहीं पढ़ता पढ़ता नहीं पढ़ता। देखिए कई कई बार ऐसी लैंग्वेज आ जाती है ना, राइम टाइप से, राइमिंग टाइप से, मैं बोलती रहती हूँ और फिर मैं उनको नोट कर लेती हूँ, अपने आप ही निकल जाती है। जब आप हिंदी में जिएंगे ना, ये इसमें जीती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बिजी है मेरा शेड्यूल, फिर भी मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पेशेंस है। अच्छा, और अब आपको एक खुशखबरी देनी है आज, वो वीडियो के एंड में दूंगी, और आप लोगों की वजह से ही हो रहा है ये सब, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन मैं एंड में बताऊंगी आपको कि है क्या ये चीज़। अन हो गया फिसलन ऐठन घुटन, देखिए नी हो गया मिलना, है ना, मिलना से मिलनी हो गया। अपन बोलते ना कई बार, आज तो हमारे मिलनी रखी है, है ना, बोलते हैं ना, हाँ मिलनी रखी है। किसकी मिलनी भाई, सावन में सब एक दूसरे मिलते हैं, होली के त्यौहार पे मिलते हैं, आज हमारे मिलनी का प्रोग्राम है। एक जगह इकट्ठा होके सब थोड़ा अच्छे से भजन कीर्तन कर लेते हैं, डांस वांस हो जाता है, हमारे भी होता है ये सब, हमारे भी चलता है फिर भजन वजन है। मैं बहुत गाती हूँ, सुना होगा आप लोगों ने, हाँ, लेकिन मैंने कम, बहुत कम जो जो अच्छे लगते हैं ना, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उसी को अपलोड करती हूँ मैं। हाँ आऊ चलाऊ टिकाऊ दिखाऊ। अच्छा भिड़ंत, ओहो किस किस से होती है आपकी। हाँ मियाँ बीवी में तो होती ही रहती है, भाई बहन में भी होती है, ननद भुजाई में भी होती है, सास बहु में भी होती है। रटंत वो जो आप कर रहे हैं अभी। अच्छा ये क्रियाबोधक आ गया लास्ट है हमारा, ये क्रियाबोधक। हुआ चलता हुआ पढ़ता हुआ, अच्छा
समझ में आ रहा है आपको? हुई, चलती हुई, पढ़ती हुई, हुए। अब देखिए यहाँ पे, ये जो हुआ है ना, ये हुई है, ये हुए हैं, ये स्पेशल लिखा है मैंने। अभी थोड़ा और बताऊंगी इसके बारे में कि क्यों है, कैसे है। क्रिया बोधक, जैसे चलना तो हो गई क्रिया, अब चलता हुआ, डबल क्रिया आ गई इसमें। हाँ जी, ये सहायक क्रिया के रूप में भी काम में आ रही है आपके यहाँ पे, चलती और हुई। जैसे हम बोलते हैं ना, वह खा रहा है, है ना, खा रहा है, बिल्कुल, सो रहा है, ये है जो है ना, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये एक टॉपिक है रिट वालों, आपके पदबंध उसमें भी बहुत काम की है ये चीज़, ये क्रियाबोधक वाली चीज़ बहुत ध्यान से देखना। एक साथ तीन तीन चार चार क्रियाएं जहाँ आ जाती है ना, वह क्रियाबोधक क्रिया पदबंध कहलाएगा वहाँ पे। क्रिया पदबंध जिसमें एक साथ दो दो तीन तीन क्रिया एक साथ आती है, खा पी कर चलता बना, है ना, ध्यान देना रिट वालों, ध्यान देना। एक टॉपिक है पदबंध, वह खा पी कर चलता बना, वह खा पी कर चला गया, उठ गया, सो गया, खा पी कर, है ना। अब खाने पीने से नहीं है, उसने टीवी देखकर मुझे खाना खिलाया, तो टीवी भी देखी और फिर खाना भी खिलाया। वह खेल कूद कर पढ़ाई करके, वह खेल कूद कर पढ़ाई कर बाद में भजन गाता है। कितनी सारी क्रिया एक साथ हो गई, क्लियर, एक एक चीज समझने की है यहाँ। तो अब हम थोड़ा कामता प्रसाद जी को देख लें, या बीच में दो तीन क्वेश्चन पूछ लूँ आपकी इजाज़त हो तो। चलिए पूछ लेती हूँ मैं आपके से, क्योंकि अब तो तद्धित भी हो गए और कृदंत भी हो गए, है ना। तो मैं दो प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मुझे आप इस सवाल का जवाब दें। जवाब क्या, मैंने खुद ही लगा रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। देखिए, किस विकल्प में विशेषणवाचक तद्धित तत्सम प्रत्यय है, बताएंगे आप मुझे? समझ में समझा दूं आपको, देखिए, एक है मानव, मनु प्लस अ, क्लियर, मनु प्लस अ, है ना, शब्द के प्रथम लेटर में चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, अ प्रत्यय जहाँ आपके आएगा वहाँ पे आपको जो भी पद दिया हुआ उसके प्रथम लेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ऊ का वह बनता है ना, ऊ और है, ऊ के आपने यण संधि पढ़ी है, देखिए आपने यण संधि पढ़ी है दोस्तों, थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे यण संधि में ये दो चीज़ चलती है, यण संधि में ई के आगे कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर लगते ही क्या बन जाएगा, ये बनेगा। और ऊ के आगे कोई भी भिन्न स्वर लगते ही क्या बन जाएगा, वह, चाहे कोई सा भी स्वर हो। वह तो ये क्या, कोई सा भी स्वर हो, अगर ये सेम से स्वर आ जाएंगे तो ये दीर्घ में चला जाएगा, क्लियर है ना। अगर ये सेम से स्वर आ जाएंगे, यानी ई के आगे ई आ जाएगा, तो या मैं ये कह सकती हूँ कि ई के आगे ई के अलावा कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ऊ के आगे ऊ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए, कितने स्वर कितने पढ़ाए हमने, 11 पढ़ रखे हैं ना। हाँ, मैंने नहीं पढ़ाए, लेकिन आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से, सबने पढ़ रखे हैं। जब आप ऐसा ही रिट बनने जा रहे हो तो ये सारे तो चीज़ें आपको आती होगी ना। तो 11 यानी कि 10 स्वर कोई भी आ जाए, सेम स्वर छोड़ के, सजातीय स्वर छोड़ के, सेम स्वर छोड़ के कोई भी 10 स्वर में कोई भी आ जाए, किनके आगे, या तो ई के आगे आएगा तो यह बन जाएगा, और ऊ के आगे आगे आएगा तो वह बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही तो नियम काम कर रहा है, देखिए ना, ये देखिए, ये ऊ है, क्या कहा, ऊ के आगे कोई भी ऐ स्वर आ गया तो क्या बन गया, वह बन गया ना, ये बन गया या नहीं बना, यही तो काम कर रहा है यहाँ पे, वह बन गया। तो ये प्रथम लेटर में चेंज हो गया, मा का बन गया मा, और वह का बन गया मानव है ना ये, तो यहाँ पर वह का बन गया अ बन गया, ये देखिए अ प्रत्यय इसी से निकला है आपके, तो यहाँ तो हो गया मानव, क्लियर। अब मानव क्या है, मनु शब्द है एक, है ना, मनु क्या है, शब्द है, और मनु से क्या बन गया, मानव, मनु संज्ञा है,
और मानव बन गया ये विशेषण, विशेषण बन गया कि नहीं बन गया। अब ये चाल, चल धातु, चाल क्या बन गया, बिल्कुल ये भाववाचक संज्ञा हो गई आपकी, है ना। अब हम ऐसे, अब इसको ऐसे समझो आप, ऐसे नहीं आएगा, लहराती चाल उसकी नागिन जैसी चाल, है ना, ऐसे बोल रहे हो ना। तो चाल में क्या नागिन का भाव आ गया, नागिन जैसी चाल है यानी नागिन का भाव आ गया। नागिन खुद थोड़ी ही घुस रही है उसके अंदर, वो नागिन से लहराती हुई चल रही है, तो उसकी चाल है वही, तो चाल भाव हो गया। अच्छा ये देखिए, गुरु प्लस ईमा, है ना, गरिमा शब्द बन गया। अभी मैंने ऊपर क्या कहा था, भाववाचक में ईमा बिल्कुल बोला था ना, ए या ईमा, वापस नोट कीजिए आप, रिवाइज कीजिए उसको, ए आ ईमा इम, जितने भी है सारे शब्द संज्ञा के आगे लगेंगे तो सब के सब भाववाचक में चले जाएंगे, और जैसे ही भाववाचक शब्द बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली शब्द विशेषण बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक एक शब्द को एक एक जगह से पकड़ना है कि इसमें क्या छिपा हुआ है, क्लियर। अब मेरा सवाल यह है कि यहाँ तत्सम प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल, ये देखिए देवी है, देवी में नहीं है, क्यों क्यों नहीं है ये भी बताया जाएगा अभी आपको। देव, ये प्रत्यय लग गया, है ना, देव, देव क्या है, देखिए एक तो होता है ये वाला देव और एक होता है ये देव, ये तत्सम शब्द है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी यहाँ से, ये युग्म शब्द भी है ना, ये देव तो होता है देवता और ये होता है भाग्य, है ना। एक शब्द आया था एक एग्जाम में, दुर्देव, दुर्देव शब्द आया था एक, यानी दुर का मतलब बुरा और देव का मतलब भाग्य, बुरा भाग्य, है ना, ये नोट कर लीजिए कहीं आप। इस देव का मतलब तो होता है भाग देवता, इस देव का मतलब होता है भाग्य, और जो वो दुर्देव लिखा होता है ना, वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखिए ऐसे। अब आप कहेंगे मैडम आपने तीन मात्रा लगा दी, हाँ ये वाला ऐसा है भाई साहब, दुर्देव शब्द को देख के आपको चक्कर आ जाएंगे, हाँ कैसा शब्द है, तीन मात्रा लगी हुई दे पे, तीन मात्रा नहीं है साहब, ये जो देव है ना ये तो भाग्य वाला है, और ये जो रे है ना ये यहाँ पे दुर प्लस देव, बिल्कुल ये शब्द है, समझ में आ गया, चले आ गए। तो इसमें ही नहीं है देवी में, हाँ इसमें नहीं है, हाँ इसमें विशेषण तद्धित तत्व नहीं, क्योंकि देव है देवी है, विशेषण तद्धित तत्सम प्रत्यय है भाई साहब, है इसमें भाववाचक नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें भाववाचक नहीं है, ये देवी है, देवी है, इसमें क्या है, ये देवी है, शक्ति है, शब्द है ये, कि देखिए वापस से सुनिए, किस विकल्प में विशेषण वाचक तद्धित तत्सम नहीं, तद्धिक तसम प्रत्यय है, देखिए सुनिए एक बार, कंफ्यूज नहीं होगा थोड़ा सा, मैं क्या तीन चार चीज़ें एक साथ बता दी तो आपको कंफ्यूज हो गया होगा, वापस से सुनिए, किस विकल्प में विशेषण वाचक तद्धित तसम प्रत्यय है, विशेषणवाचक, विशेषणवाचक पूछ रही हूँ मैं एक बार, देखिए ये है मानव, चाल और गरिमा, ये तो तीनों के तीनों आ गए भाववाचक में, देखना भाववाचक में आ गए ये तीनों के तीनों, यहाँ पे यही तो चीज़ है समझने की, ये तीनों के तीनों भाववाचक में हो गए, ये मानव, मनु से मानव बन गया, अप्रत्यय लग गया, चाल से क्या होगा, चल से चाल बन गया, क्लियर, गुरु से गरिमा बन गया, भाववाचक हो गया। अब ये देव, देव तो एक शब्द है ना, देवता है ना देव, ये प्रत्यय लग गया तो देवी, देवी है ये, इसमें देवी का है ये, देवी तो भावी है ना, ये विशेषणवाचक नहीं है ना ये, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में आपको, ये विशेषण हो गया ये शब्द, और बाकी ये तीनों के तीनों भाववाचक में हैं, बाकी ये तीनों के तीनों भाववाचक में हैं, कुछ एक शब्द ऐसे आएंगे जिनके आगे मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा, कुछ अपवाद स्वरूप भी आ जाते हैं
और कुछ अलग हटके भी आ जाता है। देवता शब्द से भाववाचक नहीं बन रहा है, विशेषण बन रहा है देवीय। क्लियर? प्रत्यय कौन सा लगा? ईय प्रत्यय लगा है यहाँ पे। कौन सा प्रत्यय लगा? ईय, देव प्लस ईय, देवीय। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, अब आप देखना थोड़ा सा, देव्य ये शब्द एक तो नहीं बनेगा, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं दिव्य? अब तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, ये दिव्य से ही बना है ये, इसीलिए नहीं हो रहा ये। हाँ जी, इसीलिए ये विशेषण तत्सम प्रत्यय है। बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है ना, मज़ेदार चीज़ है ना, अब तो समझ में आ गई होगी। क्योंकि यहाँ मात्रा डबल नहीं रहेगी साहब, यहाँ मात्रा तो सिंगल ही रहेगी। ये देव से ई बन गया, और वो ये जो देव लगेगा ना, ये भाई साहब, ये क्या है, ये अपना भाग्य है। हाँ बस, ज़्यादा उलझो मत अब इसमें। आप आगे देखो, किस विकल्प में कृत तत्सम प्रत्यय नहीं है? बड़े तत्सम तत्सम कर रहे थे ना आप, अब समझो इसको। कृत तत्सम प्रत्यय नहीं है, मैंने तो लिख रखा है, आप पढ़ लेंगे अभी। आप आया कैसे, देखिए, लिख लिख में है, बिल्कुल है मैम, है ना, लिख है, पाठ है, चल, ये तो सारी क्रियाएं हैं ना, ये तो सारी धातुएं हैं, पाठ, लिख, ये तीनों की तीनों क्या है, कृत है, और इसी से क्या बन गए, बिल्कुल, अक प्रत्यय लगते ही पाठक चलक भाव आ गया उसमें चलने का। हाँ जी, लेकिन मौन तद्दित है। मौन किससे बना है? मुनि से बना है। मौन किससे बना है? मुनि से बना है। जैसे मनु बना था, मनु, बिल्कुल जो मौन रहता है उसी को मनु बोला जाता है। मैंने साथ के साथ नीचे इसीलिए दिया है आपको कि ऊपर वाला भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना वो भी क्लियर हो जाए। संज्ञा का बोध करा रहा है ये तीनों ऊपर संज्ञा का बोध नहीं करा रहे हैं, बाकी ये मौन शब्द है, ये मौन बना है मुनि से और मुनि बना है मनु से। क्लियर? अपत्यवाचक तद्धित, अगला प्रश्न देखिए, अपत्यवाचक तद्धित तत्सम प्रत्यय नहीं है। भाई साहब यही नहीं है, देखो, पार्थ पृथ्वी से पार्थ बन गया है ना, रघु से राघव बन गया, ठीक है। और एक उदाहरण मैंने यहाँ और दे रखा है, अभी आपको दिखा देते हैं ये भी। भाई साहब ये क्या आ गया, एक उदाहरण मैंने और दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए, पांडव, पांडु से पांडव, रघु से राघव, पृथ्वी से पार्थ, पृथु राजा होता है ना, राजा पृथु, और मौन, मौन क्या है, संज्ञा का बोध करा रहा है ना, तो ये तो अपत्यवाचक है नहीं है। अभी देखिए क्या है, मौन तद्धित तत्सम प्रत्यय नहीं है, तद्धित तत्सम प्रत्यय नहीं है। मुनि, मुनि प्लस यही नहीं है, बाकी तो सारे हैं। संतानवाचक पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? पढ़े ना, जैसे आंजनेय पढ़ा आपने, अंजनी का पुत्र आंजनेय, पृथ्वी का पुत्र पार्थ, रघु का पुत्र राघव, और राघव कौन है, एक तो राघे और एक राघव, ध्यान रखना, राघव तो राम है और राघे कर्ण है, बिल्कुल, साथ के साथ में आपके ये भी क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए आगे चलें, एक थोड़ा यहाँ देख लीजिए आप। हाँ जी, ये बिल्कुल छोटा सा नोट्स है, काम का है, बड़े आपका, देख लीजिए थोड़ा सा, जिनके संस्कृत है ना उनको अच्छे से समझ में आएगा। कृदंत प्रत्यय ना, ये तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में, बिल्कुल, ये देखिए, एक तो कृत, एक पूर्व कृदंत और एक उत्तर कृदंत। ये मैंने छोटा सा आपके लिए नोट्स बनाया है रिट वालों, थोड़ा सा समझ लेना इसको। देखिए, कृत प्रत्यय होते हैं ये पाँच प्रकार के होते हैं, वैसे तो सात होते हैं लेकिन काम में आपके रिट में पाँच ही है टॉपिक में। तव्यत, तव्य शेष रहता है ना, अनियर प्रत्यय में अनियर रहता है, यत प्रत्यय में, और तीन प्रकार से ये यह शेष रहता है। अब ये इसी को बताने जा रही हूँ, ये जो यत है ना, एक तो होता है यत, एक है अणत और एक है आपके कयप,
तीन है ये, और शेष तीनों में ये रहता है। लेकिन ये कहाँ से कैसे क्या पता चलेगा ये देखिए। बीना जी आपने रिक्वेस्ट की थी इसलिए आपको बता रही हूँ मैं, सुन लीजिए आप ध्यान से। देखिए यत जो प्रत्यय है इसमें यह शेष रहेगा कैसे, अगर स्वरांत स्वर के अंत में अच धातु, अच बोलते हैं ना, हाँ जी अच, प्लस प वर्गांत, यानी जितने भी प वर्ग वाले आएंगे ना उसमें आएगा ये। एक उदाहरण दूंगी अभी आपको समझ में आ जाएगा, यानी स्वरांत प्लस प वर्ग, ये दो जहाँ पे आएंगे ना, या तो मतलब स्वर से अंत होता हो या प वर्ग होते हो, ठीक है। और एक होता है व्यंजनांत, यानी जिसमें हलंत हो और रिकारांत वाले हो, और एक होता है निश्चित, हाँ कित और किप, ये कित कित की संज्ञक हो जाती है और किप शेष ये हो जाता है, लोप हो जाता है, तो ये शेष रह जाता है, तो ये निश्चित निश्चित हो जाता है, ये निश्चित ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी, निश्चित धातु रहती है उसके लिए आएगा ये। हिंदी वालों को नहीं आएगा समझ में, ये हिंदी वालों को नहीं आएगा, संस्कृत वालों के लिए है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना ये पूर्व कृदंत अनुलु उत्रच क्षत्रि शानच कत कतवतु है ना, तो ये वान वती, ये देखिए नीचे ऊपर से अक, जो अक प्रत्यय अपन हिंदी में पढ़ते हैं उसी को संस्कृत में अपन अनुलु प्रत्यय पढ़ते हैं, ता प्रत्यय अपन हिंदी में पढ़ते हैं उसी को संस्कृत में तिरछ पढ़ते हैं, जैसे नेता जनता है ना, बिल्कुल स्त्रीलिंगी आएंगे ये। और अन अति अत, जैसे जैसे क्या होता है, हसत आता है ना, हसतवान हसतवती, और शानच आन मान, कित में तयशेष रहता है, जैसे पढ़त पठत हसत लग, और कतवतु में वान वती वत, गतवान गतवती गतवत, तीनों लिंगों में आते हैं। यहाँ जहाँ तीन तीन दे रखे हैं मैंने, ये तीनों लिंगों में आएंगे। एक यहाँ देखिए, ये तुमुन प्रत्यय, उत्तर कृदंत आता है ना, तुमुन प्रत्यय, तुम शेष रहता है, पठितुम है ना, पठितुम हसितुम, अवयव हैं ये सारे, बिल्कुल ये अवयव है साहब। कित्वा प्रत्यय भी अवयव है, त्वा शेष रहता है, गत्वा हसित्वा, लैप प्रत्यय उपसर्ग के योग में होगा, ये उपसर्ग प्लस ये, बिल्कुल उपसर्ग के योग में होगा लैप प्रत्यय। एक होता है लुट अनम, नपुंसकलिंग में बिल्कुल अनम प्रत्यय उसमें होगा, अननम है ना, करणम अनम जिसमें शेष आता है, घय प्रत्यय ये पुल्लिंग होता है, बिल्कुल अशेष रहता है, जो अपने संस्कृत हिंदी में अशेष रहता है ना, उनके अ प्रत्यय तो अपने हिंदी में पढ़ते हैं और संस्कृत में अपन घय प्रत्यय पढ़ते हैं, हाँ घय प्रत्यय, घय बोलते हैं उसको अ को। और कितिन प्रत्यय, ती शेष रहता है, स्त्रीलिंग है ये ती, जैसे भक्ति बहुत सारे आते हैं ऐसे, शक्ति, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने हल्की सी यहाँ बताई है, आ गई होगी आपके समझ में। अब ये जो स्वरांत या व्यंजनांत पैवर्गांत ये क्या आते हैं, ये थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, बिल्कुल काम की चीज़ है ये, बड़े ही काम की चीज़ है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा घय प्रत्यय पूछ रहे हैं, घय में जैसे उपहास है ना, उपहास जैसे हस ए आ रहा है ना, वाद ए, जिस ए साउंड जिनके बाद में आता है ना उनके लिए है ये, उनके लिए है सब ये। अब देखिए प वर्गांत जो धातु रहती है, जैसे स्वरांत में ही आता है, जैसे गमनीय है ना, प फ ब ब म आ रहा है इसमें गमनीय, जैसे ची, जैसे पे, जैसे ची आती है, स्वरांत आता है अंत, ची भू, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, भोज्यम, एक शब्द भुज धातु से भोज्यम, भोज्यम पैवर्गांत है ना, प फ भ म माला भोज्यम स्वर के अंत, और एक होता है व्यंजन के अंत में, दोनों आते हैं उसमें, ये प्रत्यय रहता है। क्या पूछ रहे हैं, गम्या, हाँ गम्या में भी हो जाएगा, गम्या में भी, हाँ म आता है ना, देखो ये शेष रह रहा है, गम्य धातु है, ये शेष रह रहा है उसमें, और ये पैवर्गांत है, बिल्कुल
जी अच्छा, कैप में निश्चित धातु रहती है, कैप में तो निश्चित धातु रहती है। नहीं, आपको अलग से पीडीएफ दे दी जाएगी, अभी ये हिंदी वालों के लिए साहब। चलिए चले आगे बढ़े। ये दो तीन प्रश्न दे देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है अभी आपको। देखिए, वाग्मी, वाग्मी में प्रत्यय कौन सा है भाई साहब? वाक मूल शब्द है, हाँ जी वाक मूल शब्द है और मी प्रत्यय है, आ गया होगा समझ में। जरूरतमंद में प्रत्यय कौन सा है? ज़रूरत और मंद, मंद प्रत्यय, इसका ये वाला ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। हाँ जी आगे देखिए, स्वस्थ शब्द क्या है? स्वस्थ, हाँ देखिए स्व तो इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और ये प्रत्यय हो गया स्थ है। अगर मैं शब्द दूँ इसकी जगह स्वास्थ्य है ना, अगर मैं ये दे दूँ स्वास्थ्य दे दूँ तो क्या बन जाएगा? ये प्रत्यय है इसमें, बिल्कुल। देखिए वापस से देखिए, अगर मैं यहाँ दूँ शब्द जैसे हमने ग्रास्थ्य पढ़ा था ना वैसे ही स्वास्थ्य हाँ, ये देखिए ये प्रत्यय है इसमें। चलिए साहब अब हमें वीडियो ऑफ कर देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, अगली बार ले लेते हैं। मैंने कहा था ना लंबे हो जाएगा, चाहे मुझे दो पार्ट करने पड़ेंगे, तो अगली बार में मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी करवा के कामता प्रसाद भी करवा देती हूँ, ठीक है? तो ओके थैंक यू दोस्तों। अच्छा खुशखबरी देनी थी आपको, जी हाँ मेरे चैनल पे एड आने लग गए हैं, यही खुशखबरी देनी थी आपको, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कंटिन्यू देखें लाइव, इसको देखें, जैसे समय मिलेगा मैं लाइव भी लाऊंगी और आपसे ही जवाब मांगूंगी वहाँ हाथों हाथ। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आभार आपका, दिल से आभार, बहुत बहुत थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।